नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज हरदोई। सांडी थाना क्षेत्र की पुलिस ने तीन साथी चोरों को चोरी के माल एवं अवैध असलहों के साथ किया गिरफ्तार। हरदोई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश के चलते अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सांडी थाना पुलिस द्वारा तीन अपराधियों को मुखबिर की सूचना पर ग्राम हिमकत अम्बकी मोड़ से गिरफ्तार किया गया, जो बहुत ही सातिर किस्म के लुटेरे हैं। नाजायज असलहा भी अपने साथ रखते हैं। पूर्व में भी थाना क्षेत्र में वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है, जिसके चलते थाना सांडी में अनेकों मुकदमा इनके नाम पंजीकृत हैं। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त वीरपाल पुत्र योजना निवासी मोहल्ला ऊंचा टोला कस्बा सांडी, संतोष कश्यप पुत्र राजेंद्र मोहल्ला नौ सहारा सांडी, रविंद्र पुत्र रामस्वरूप निवासी हुल्लापुर थाना अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि अभियुक्तों के पास से एक गले का हार, एक अंगूठी, कान की झुमकी, दो जोड़ी पायल, दो जोड़ी बिछुआ, एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, 315 बोल, 16,000 रुपए नकद बरामद हुए। आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। सांडी थाना में दिनांक 24 अप्रैल को एक चोरी की घटना हुई थी। इसके सिवा 20 और 21 अगस्त की रात में भी चोरी की घटना हुई थी। इसमें घर में नकद दली डालकर घर में से हार और घर के अन्य सामान चोरी किए गए, जिसमें आज उसका अनावरण करते हुए तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति इसमें वांछित है, एक वीरपाल, रविंदर और संतोष कश्यप, इनको गिरफ्तार किया गया, जिनके विरुद्ध पूर्व में भी सांडी थाना पर तथा अल्लाहगंज शाहजहांपुर एवं अन्य थानों पर भी मुकदमे दर्ज हैं। कुल 7-8 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं। इनके पास से सोने का एक हार, अंगूठी, कान की झुमकी, पाजेब, बिछुआ इत्यादि एवं तमंचा इत्यादि बरामद हुआ है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।